Shut up and sit down. पाठ 19, पत्र कैसे लिखे। आपने बहुप्रचलित फिल्मी गाना सुना होगा, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। यही चिट्ठी ही पत्र है जो मन की बात कागज के छोटे टुकड़े पर लिखकर दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें मन के भावों या विचारों को संदेश के रूप में लिखा जाता है और किसी संदेश वाहक द्वारा या डाक द्वारा भेजा जाता है। आपने भी बहुत से लोगों को पत्र लिखे होंगे, जैसे माता पिता को, किसी मित्र या रिश्तेदार को, किसी अखबार के संपादक को या किसी और को। क्या आप जानते हैं कि पत्र व्यवहार का संबंध केवल इतने ही लोगों से नहीं है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत है। आइए इस पाठ में भिन्न भिन्न प्रकार के पत्रों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप विविध प्रकार के पत्र लेखन के प्रयोजन का उल्लेख कर सकेंगे, अच्छे पत्रों के गुण बता सकेंगे, पत्रों के प्रकारों के बारे में बता सकेंगे, अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों में अंतर बता सकेंगे, पत्र के विभिन्न अंगों का उल्लेख कर सकेंगे, कार्यालयी पत्राचार के स्वरूप के आधार पर विविध प्रकार के पत्र लिख सकेंगे। 19.1 पत्र लेखन का प्रयोजन। पत्र लेखन भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का एक शक्तिशाली माध्यम है। पत्र का लेखक जहां अपना संदेश पत्र के माध्यम से भेजता है, वहीं अपनी इच्छाएं तथा आवश्यकताएं उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंचा देता है। पत्र में लेखक के व्यक्तित्व की छाप होती है। विशेष रूप से व्यक्तिगत पत्रों को पढ़कर आप किसी भी व्यक्ति के अच्छे बुरे स्वभाव और मनोवृत्ति का परिचय आसानी से पा सकते हैं। पत्र एक पुल के समान है जो दूर बैठे व्यक्तियों को एक दूसरे से मिलाने में सहायक होता है। पत्र लेखन ऐसी कला है जिसका हमारे जीवन में प्रायः उपयोग होता है। जहां बचपन में हम संबंधियों या मित्रों को पत्र लिखते हैं, वहीं बड़े होने पर यह क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है। आजकल हम कार्यालय और व्यवसाय संबंधी पत्र भी अधिक लिखने लगे हैं। छोटी अवस्था में लिखे गए पत्रों में भावुकता का अंश अधिक होता है। धीरे धीरे विचारों में प्रौढ़ता आने के साथ साथ पत्रों की भाषा और शैली में निखार आने लगता है। अच्छा पत्र वही है जिसे पढ़कर लिखी हुई बात सरलता पूर्वक समझ में आ जाए। व्यापारी एक दूसरे को अपने व्यवसाय से संबंधित पत्र लिखते हैं। ग्राहक अनेक जानकारियां प्राप्त करने के लिए पत्र लिखते हैं। व्यापारी या दुकानदार को वस्तुओं की खरीद आदि के लिए ग्राहक भी पत्र लिखते हैं। कार्यालयी ढांचे में अधिकारियों और कर्मचारियों का एक दूसरे से मिलकर बात करना संभव नहीं होता, इसलिए अधिकतर काम पत्रों के माध्यम से ही किए जाते हैं। इन सभी क्षेत्रों में पत्रों का प्रयोजन अलग अलग होता है, इसलिए ये पत्र अपने स्वरूप में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आइए इन पत्रों के स्वरूप और विशेषताएं पहचानें। पत्र विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। 19.2 अच्छे पत्रों के गुण। पत्र पाने वाला व्यक्ति यदि पत्र पढ़कर वही समझ ले जो पत्र लिखने वाला कहना चाहता है, तो उसे अच्छा पत्र माना जाएगा। एक अच्छे पत्र की भाषा स्पष्ट, सहज और प्रभावी होनी चाहिए, जिससे पत्र पढ़ने वाला लिखी हुई बातों को आसानी से समझ ले और उनका पालन कर सके। पत्र लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि कम शब्दों में अपनी बात कहे, जटिल कठिन शब्दों और कहावतों के प्रयोग से बचे। पत्र में निम्नलिखित गुण होने चाहिए: 1. संक्षिप्तता, 2. सरलता, 3. सहजता, 4. प्रभावशीलता। पत्र संक्षिप्त कहने का मतलब यह नहीं है कि उसका आकार छोटा हो, बल्कि जरूरी यह है कि उसमें कुछ भी अनावश्यक न हो। 1. संक्षिप्तता। आज के व्यस्त जीवन में न तो किसी के पास लंबे पत्र लिखने का समय है, न ही पढ़ने का, इसलिए पत्र में वही लिखा जाना चाहिए जो अनिवार्य हो। इसके लिए जरूरी है कि आवश्यक शब्दों का प्रयोग करें ताकि विषय स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। संक्षिप्तता का अर्थ उसके आकार का छोटा या बड़ा होना नहीं है, यह पत्र के विवरण पर निर्भर करता है। मान लीजिए जो बात दो पंक्तियों में कहनी थी, उसके लिए आपने दो पृष्ठ लिखे, तब कहा जाएगा कि आपने संक्षिप्तता का ध्यान नहीं रखा। परंतु यदि आपने दो पृष्ठों में भी सभी अनिवार्य बातें लिखी और किसी भी शब्द को आप काट नहीं सकते, तब भी यह पत्र संक्षिप्त ही कहलाएगा। पत्र में अपनी बात को नपे तुले शब्दों में ही कहना चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, अनावश्यक स्पष्टीकरण नहीं देने चाहिए। सीधे सीधे किसी बात को पूछना ठीक रहता है। घुमा फिरा कर बात को न कहे,
यदि कोई आपसे कुछ पूछे तो उसका उत्तर भी सीधा और स्पष्ट लिखना चाहिए। 2. सरलता। सरलता का तात्पर्य है उलझाव का न होना। यदि जो कुछ आप कह रहे हैं वह ठीक से पहले खुद समझ ले तो आपके विचारों और भाषा में सरलता आ जाएगी। 2. सरलता। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। आसान और दैनिक जीवन में काम आने वाले शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य बनाए, छोटे अनुच्छेद बनाए, वाक्यों का क्रम ध्यान रखे, एक बात से दूसरी बात जुड़ती हो और जहां बात समाप्त हो जाए वही अनुच्छेद बदल दे। नई बात को सदैव नए उच्छेद से ही शुरू करें। बड़े बड़े कठिन, क्लिष्ट और जटिल शब्दों का प्रयोग न करें। आइए ये उदाहरण पढ़ते हैं। क, वह बात जो मैंने पिछले पत्र में आपसे पूछी थी उसका उत्तर देने का कष्ट आपने इस पत्र में नहीं किया, जिससे यहाँ का सारा कार्यक्रम तब तक अस्त व्यस्त है जब तक आपका उचित आदेश नहीं मिल जाता। ख, मैंने पिछले पत्र में आपसे कुछ बातें पूछी थी, उनका ठीक उत्तर न मिला। कृपया उचित आदेश शीघ्र लिखे जिससे यहाँ का कार्यक्रम ठीक से चल सके। उदाहरण 1 में एक ही बड़े वाक्य के अंतर्गत कई बातें लिखे जाने के कारण विचार समझने में कठिनाई होती है, किंतु वही विचार उदाहरण ख में छोटे छोटे वाक्यों में लिखे जाने के कारण सरलता से समझा जा सकता है। 3. सहजता। आपसे बातचीत में हम सहज और स्वाभाविक भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार पत्र में करना चाहिए। पत्र पढ़ते समय यदि वार्तालाप का सा आनंद आए तो समझ ले कि उसकी भाषा सहज है। पत्र में अपनेपन की झलक देने के लिए आवश्यकता के अनुसार आप, तुम, मैं, हम, वे, हमारे आदि शब्दों का प्रयोग अच्छा रहता है। अनौपचारिक पत्रों में दादाजी, मामा जी, पिताजी, जीजी जैसे शब्दों का प्रयोग संबंधित व्यक्ति के प्रति निकटता तथा आत्मीयता की भावना पैदा करता है। अनौपचारिक पत्रों में तो इस गुण का होना अनिवार्य है। सहजता का अर्थ यह है कि पत्र स्वाभाविक रूप में अनायास ढंग से लिखा जाना चाहिए। पत्र में भावों को जितनी स्वाभाविकता से व्यक्त किया जाएगा पाठक के लिए वह उतना ही सहज बन जाएगा। उदाहरण के लिए लेखक अपनी किसी गलती को सहज भाव से स्वीकार करके क्षमा मांग ले तो पत्र प्राप्तकर्ता अवश्य ही उदारता से क्षमा कर देगा। शिष्ट और विनम्र शब्दों के प्रयोग से भी पत्र में सहजता का गुण उत्पन्न होता है। औपचारिक पत्रों में भी यदि हम अपनी बात संवाद की शैली में लिखे तो उसका प्रभाव बेहतर होगा। 4. प्रभावशीलता। पत्र ऐसा होना चाहिए कि वह अपने विचारों को भाषा और प्रस्तुति की दृष्टि से पत्र प्राप्तकर्ता पर अपेक्षित प्रभाव डाल सके। 4. प्रभावशीलता। एक अच्छे पत्र का अगला गुण है प्रभाव उत्पन्न करना। पत्र की भाषा ऐसी हो कि वह पत्र प्राप्तकर्ता को प्रभावित कर सके, शब्दावली इतनी शक्तिशाली हो कि उसके मन में चित्र सा उपस्थित कर दे। पत्र को प्रभावोत्पादक बनाने में मुहावरेदार भाषा बहुत सहायक होती है। अच्छा बताइए, इन दो वाक्यों में से कौन सा ज्यादा प्रभावशाली है? क, आशा है इस कार्य में आप अवश्य ही सफल होंगे। ख, आशा है सफलता आपके कदम चूमेगी। यहाँ ख ही अधिक प्रभावकारी है। इसी प्रकार यदि हम कहना चाहे कि क नाटक देखकर मैं बड़ी प्रसन्न हुई, इसके लिए निम्नलिखित वाक्य अधिक प्रभाव उत्पन्न करेगा। ख, नाटक देखकर मेरा मन बाग बाग हो गया। कुछ शब्द जैसे सुविधा, लाभ, स्वीकार, विश्वास, ईमान, धन्यवाद आदि का प्रयोग पत्र को प्रभावकारी बनाता है। कहने का मतलब यह है कि शब्दों का चुनाव पाठक की भावनाओं को स्पर्श करने वाला हो तो पत्र पढ़ने में उसकी जिज्ञासा बनी रहेगी और वह प्रभावित भी होगा। औपचारिक पत्रों में सीधे स्पष्ट शब्दों में अपनी बात लिखी जाती है, घुमावदार लच्छेदार बातों से बचा जाता है, मुहावरों का प्रयोग न के बराबर होता है। औपचारिक पत्रों में अपनी बात को बिंदुवार क्रमवार रूप से प्रस्तुत करने से अधिक प्रभाव उत्पन्न होता है। 19.1 एक, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर उनके सामने सही अथवा गलत का निशान लगाइए। क, विषय को स्पष्ट करने के लिए अपनी बात विस्तार से कहनी चाहिए, यह वाक्य गलत है। ख, सरल भाषा के लिए दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, यह वाक्य सही है। ग, मैं, तुम आदि का प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में नहीं किया जाता, यह वाक्य गलत है। घ, औपचारिक पत्रों की भाषा मुहावरेदार होनी चाहिए, यह वाक्य गलत है। अंग, सहज और वास्तविक भाषा लेखक और पाठकों को निकट लाती है, यह वाक्य सही है। 2.
कोई दो सरल अथवा प्रभावी वाक्य लिखिए, यह स्वयं कीजिए।